लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हमें एक सीट बनाना है करेंसी कन्वर्टर का, कन्वर्टर। ओके, जैसे कि सेलेक्ट करेंसी और यहां पे अमाउंट और यहां पे INR। या उसके उल्टा हम कर दें कि यहां पे INR और यहां पे अमाउंट, और ये लाइन हमारे लाइव होना चाहिए। करेंसी कन्वर्ट चेंज हो तो ये भी अपने आप को चेंज करें। कैसे करें? सबसे पहले मुझे करेंसी का रेट पता करना होगा कि करेंसी का रेट क्या है। तो हम गूगल पे सर्च किए हैं, एक हमारे पास एक्स रेट वेबसाइट है जिसमें टेबल है करेंसीज के कन्वर्टिंग का रेट, करेंसी रेट। ठीक है, जैसे यूएसडी डॉलर $1.76 का होता है और ₹1 इतना डॉलर होता है। इसको कॉपी करते हैं लिंक को और डेटा के अंदर जाते हैं, और डेटा में हमारे पास यहाँ गेट डेटा में फ्रॉम वेब है। इस फ्रॉम वेब को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस हम डाल देते हैं, देन ओके करते हैं। और कनेक्ट। ऐसा करने से क्या होगा कि करेंसी का जो वेबसाइट पे जो रेट था वो रेट हमें यहां पे मिल जाएगा। ये वन टाइम है सर, नहीं तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है? ऑटोमेटिकली हमें आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसमें देखिए टेबल है, एक इंडियन रुपीज का, एक आपका जो मेनली कंपनी कंट्रीज है वो आ गया, तो दूसरा यहाँ पे ओवरऑल कंट्रीज है। तो इसमें यूएस है, यूएस भी यहाँ पर है ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या बोल रहे हैं? या सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गिव मी प्लीज परमिशन फॉर रिकॉर्डिंग। एक मिनट। ओके, मैंने नवीन सिन्हा जी दे दिया। थैंक यू सर। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसको लोड कर लिया। ये हमारा लोड हो गया, राइट। उसके बाद हम करेंसी वाले सीट पे जाते हैं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, लिस्ट सेलेक्ट कर लें ताकि वही कंट्री का लिस्ट आए जो हमारे डेटा में है। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट हमने कर लिया, और यहाँ सीट फोर में आते हैं और हम एरिया एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यूएस डॉलर दे लिया, और मैं यहाँ ये करना चाहता हूँ कि एक यूएस डॉलर बराबर कितने INR होते हैं। तो यहाँ पे हमने VLOOKUP लगाया, VLOOKUP, और हमने इसको सेलेक्ट किया यूएस डॉलर। सीट फोर में गए और हमने रेंज को ले लिया 1, 2, 3, 3, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे अमाउंट से, मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट से। तो यार जैसे मान लीजिए मुझे $2 करना है तो $153 का आएगा, $3 ये होगा। और ऐसे मैं बात करूँ कि मान लीजिए $422 या $29 कर लेता हूँ, कितना होगा?
ये 32,000 का, $420 कितने का होगा, तो $32,000 का होगा, $400 कितने का होगा, तो 30,000 का होगा, राइट सर। क्लियर है? हेलो, अब यहां पे जैसे कि मान लीजिए कि अगले दिन करेंसी रेट चेंज होती है, तो कुछ नहीं करना, यहां रिफ्रेश ऑल कर देना, या फिर प्रॉपर्टीज में आप ये भी दे सकते हो जाके, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कनेक्ट, यहाँ कनेक्ट क्यूरियन कनेक्शंस, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल के आएगी, प्रॉपर्टीज यहाँ भी है, और यहाँ पे दे दीजिए रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग डेटा, या फिर पर्टिकुलर टाइम की इतने टाइम पे मेरा डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहे। ओके सर, और यहाँ पे इसको करना है भाई कि INR से किसी और में, तो सेम चीज़ें हैं, ये जो हमारा सीट में ये हमारा INR का है, तो इससे इसको कॉल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझे सर? किसी को डाउट इसमें? नो सर। चलिए बैक टू टॉपिक, हम टॉपिक पे बैक करते हैं। ये चीज़ें मुझे अभी किसी ने पावर BI क्लास में पूछी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, आपने के लिए भी ये अच्छा होगा। सर क्या फिल्टर यूज करके हम कुछ इंडिविजुअल या कुछ सिलेक्टेड डाटा नहीं इंपोर्ट कर सकते? समझे नहीं क्या बोलना है? मैं चाह रहा हूँ भाई कुछ सिलेक्टेड फील्ड थी वो दूसरी में शीट में आए, जैसे फिल्टर यूज कर रहे हैं, फिल्टर फंक्शन सर। नहीं नहीं एक मिनट, एक्सेल टू एक्सेल चाहते हैं या एक्सेल टू वेब चाहते हैं? अगला टॉपिक हमारा है, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप वर्टिकल लुकअप के लिए, और एक आईडी होता है, जैसे यहाँ पे एक आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया, और एक आईडी होता है, उस आईडी के बिहाफ पे आपका रिपोर्ट मिलता है। बट अगर बाई चांस अगर आपका डेटा, जैसे आईडी आपका स्टार्टिंग में है इसलिए, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेबल पे आईडी जो है वो बीच में हो, जैसे कि मैंने इसको यहां से कट करके यहां डाल दिया, ऐसा करने से क्या होगा, अगर मुझे अगर मान लीजिए वी लुकअप से मैं यहां से इसके आगे की चीजें लुकअप कर सकता हूं, बट ए लुकअप नहीं कर सकता क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट चलता है। ओके सर, मान लीजिए मुझे यहां पे 1105 का टीम चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास मैच और इंडेक्स का फॉर्मूला है, राइट सर? मैच और इंडेक्स का फॉर्मूला, तो यहां पे सबसे पहले मैच का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बताएगा कि इस पर्टिकुलर रोल नंबर्स हमारे इस कॉलम में कहां पे एग्जिस्ट करता है। फिर यहां पे मैं जीरो कर देता हूं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, अब यहां पे हमारे पास एक मैच का एक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, किसका? इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि अगर मैं पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लूं और बोलूं, इंडेक्स लगा दिया,
कीबोर्ड का लगा था प्रॉब्लम हो गई है इंडेक्स। और इसमें मैंने मान लीजिए रो नंबर दे दिया कि मुझे इसमें से मान लीजिए पांचवा रो और तीसरा कॉलम चाहिए, पांचवा रो और तीसरा कॉलम चाहिए, तो ये क्या करेगा कि यहां से पांचवे रो पे आएगा और तीसरे कॉलम पे आएगा, इसका डेटा दे देगा। तो पांचवा रो और तीसरा कॉलम, तो यहां पे एक चीज हो गई। अब यहां पे क्या आया हमें कि रो को हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको मैच के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो और मुझे तीन चाहिए तो मैं तीन के जगह पे यहां पे वन कर देता हूं। विनोद जी गुड इवनिंग, काफी लेट हो गया सर। गुड इवनिंग सर, सॉरी एक्चुअली नमाज का टाइम है। मैं तो सर 5-10 मिनट तो लेट चलता, आधा घंटा लेट आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ बस अभी कल से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स और यहाँ पे इंडेक्स लगाया और इसमें हमने N5 ले लिया, मतलब कि मैच को इसके साथ हमने कंबाइन कर लिया। तो मैच और इंडेक्स को आपस में अगर हम मिला देंगे तो वी लुकअप जैसा एक हमारा फंक्शन तैयार हो जाएगा जो कि लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों वर्क करेगा। समझ में आया आप लोगों की नहीं सर, किसी को डाउट? नो सर, ठीक है सर। ये तो मैच और इंडेक्स को आपस में मिला सकते हैं, पर प्रॉब्लम है कि मैच जो है पूरा का पूरा हमें एरिया देना पड़ता है। तो हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला है, क्योंकि मैच में अगर आप सॉरी इंडेक्स में, अगर इंडेक्स में अगर आपका कॉलम बढ़ता है, रो बढ़ता है, तो आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे जी सर। तो अगर चाहते कि नहीं इंक्रीज ना करना पड़े तो इंक्रीज ना करना पड़े तो आप ऑफसेट लगाएं। ऑफसेट में इंडेक्स की तरह ही काम करता है, बट इसमें हमें स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है। हमें स्टार्टिंग ऑफ डेटा दे दिया A1, इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, और कॉलम नंबर हमारा 10 हो जाएगा, कॉलम नंबर हमारा हो जाएगा 1, लेकिन यहां पे रिजल्ट गलत देगा। हमें तो टीम चाहिए था क्योंकि वन नंबर रो यहाँ पे ये आ रहा है। देखिए ये क्या करता है, ऑफसेट की जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ऑफसेट जब भी लगाते हैं तो 1 कम देना पड़ेगा आपको। जैसे -1 हमने कर दिया और यहाँ पे 0 कर दिया, तो अब आपका रिजल्ट सही आएगा। दोबारा बताइए सर। सिंपल सी बात समझिए कि आपके सामने अगर ऑफसेट अगर आपने लगाया, आपने बोला स्टार्टिंग ऑफ द डेटा और मैंने बोला कि पांचवा नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम, जैसे हमने इंडेक्स में लगाया था, ये आपको लुकअप दे देगा। लेकिन क्या किया, यहां से काउंट करना शुरू किया 0 1 0 1 2 3 4 5, तो इंडेक्स का 5 ऑफसेट का 6 होगा, क्योंकि इंडेक्स 1 से काउंटिंग शुरू करता है और ऑफसेट जो है 0 से काउंटिंग शुरू करता है। ओके सर, 1 2 3। तो अगर आपको अगर मान लीजिए कि नहीं मुझे चाहिए तो 1 कम देना पड़ेगा, 4 की जगह पे यहाँ पे 5 की जगह पे 4 और 3 के जगह पे 0, 1 के जगह पे 0 करना पड़ेगा। तो आपको टीम बी दिख रहा है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे किया, जो मैच का रिजल्ट था हमने उसमें से -1 कर दिया। ऑफसेट का फायदा क्या हुआ कि आप यहाँ पे इस मैच के रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो ऑफसेट का फायदा क्या होता है, ऑफसेट का फायदा ये होता है कि आपका डेटा पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कि कल के डेट में आप कॉलम बढ़ जाएंगे, रो बढ़ जाएगा, तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ रहा। ठीक है जी सर, क्लियर है? बिल्कुल सर। मतलब एक ही कॉलम बढ़ जाएगा था ना, कितना भी कॉलम बढ़े उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरा डेटा सिलेक्ट ही कहाँ किया है, पूरा डेटा यहाँ सिलेक्ट किया है नहीं किया है, हमने सर स्टार्टिंग का डेटा दिया, ये वन सिलेक्ट किया है। यूज कैसे करेंगे सर? जैसे अभी यूज किया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट तो देना पड़ेगा ना सर इसको। हाँ, तो A1 दिया ना हमने,
जी यहाँ पे देखिए, हाँ सर स्टार्टिंग तो दिया था आपने, हमने A1 दिया ना यहाँ पे सर, जी सर समझे कि नहीं सर? सर फार्मूला तो समझ में आ गया, बट इसका यूज कैसे करेंगे, मतलब इस ऑफसेट का फार्मूला विलकोप का जैसा यूज कैसे करेंगे? कैसे यूज हो रहा है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 11 10 कर देता हूँ, रिजल्ट आ गया ना सर? ओके, यू मीन टू से दैट आईडी से हम लोग को पूरा विलकोप वहां से सर्च करें, राइट? हाँ, देखिए आईडी से, देखिए मैं ऑफसेट ये नहीं कहता है कि मैं लुकअप करूंगा, ओके वो कहता है कि आप हमें रो एंड कॉलम दीजिए, हम उसके बिहाफ पे डेटा देंगे। ओके ओके, रो एंड कॉलम दीजिए, हम उसके बिहाफ पे डेटा देंगे, ठीक है। और जो रो नंबर है वो हम मैच से ले रहे हैं, क्योंकि मैच किसी नंबर को ढूंढ के फिर उसका रो नंबर देता है। तो सर इसको अगर राइट साइड में टीम में और उसके बाद टीम मेंबर और प्रोडक्ट ये सब हम कॉलम से चलते चले जाइए, हो चल जाएगा आपका। ओके, कॉलम चेंज करते जाइए ना, यहाँ पे कॉलम लास्ट में जीरो इधर रखा है, मान राइट, हाँ यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ, ये फॉर्मूला मेन होगा, राइट, उसको कॉपी करते हैं। मुझे मान लीजिए इसमें चाहिए टीम मेंबर, टीम यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ जीरो के जगह पे वन कर दिया, लास्ट में आ गया टीम मेंबर। उसके बाद ऐसे हमने प्रोडक्ट, सेम फॉर्मूला होगा, अब यहाँ पे जो है जीरो के जगह पे 1 2 हो जाएगा, टू करेंगे राइट, ऐसे 3 4 5 चलता जाएगा अपना। और यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे, पूरा उसका ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, जी जी Okay. लेकिन अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन है, वर्जन मतलब कि 2019 या ऑफिस 365 है, तो इसमें एक फॉर्मूला है एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप सबके लिए है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मतलब कि किसमें लुकअप करना है, हमने बोला इसमें लुकअप करना है। अब बोलते हैं रिटर्न एरे, क्या रिटर्न एरर रिटर्न देना है, किसको ढूंढना है, मतलब रीजन को देना है। ओके ओके, पूछता है कि इफ नॉट फाउंड, मतलब कि नहीं, नहीं क्या होना चाहिए, तो हमने बोल दिया नॉट एनएफटी, ठीक है। ये इफ एरर का भी काम कर देता है सर, अगर मैं कुछ डाल दिया तो एनएफटी आ गया, बट अगर मैं इसमें कुछ डालूंगा तो एरर आएगा। तो एक्स लुकअप जो है इफ एरर मैच इंडेक्स ऑफसेट सब का काम कर देता है, ये सर सही है। लेकिन अगर मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल हो तब क्या होगा, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और एक सीट लिया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो अगर मान लीजिए 103 का यहाँ पे 1103 का मुझे मान लीजिए सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे हम एच लुकअप लगा सकते हैं, लेकिन वही बात है, सबसे पहला रो में आपका डेटा होना चाहिए, आईडी, समझे? तो सबसे पहले आप लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे, तो इसमें आपको बी लुकअप में कॉलम सेलेक्ट कर देते, इसमें आपको रो के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रो इंडेक्स किसका 7 नंबर का चाहिए और कॉमा 0 के डेटा, या फिर आप यहाँ पे इंडेक्स मैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सबसे पहले मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, मैच में हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा 0, ये हमारा कॉलम ने बता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और बोलूंगा कि इसमें से 7 नंबर रो एंड 4 नंबर कॉलम, जो मैच में रिजल्ट दिया है, तो यहाँ चेंज होता है, तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ऐसे आप यहाँ पे ऑफसेट भी दे सकते हैं कि ऑफसेट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा हमारा एआईडी है कॉमा 6 नंबर रो एंड मैच माइनस 1 कॉलम, क्योंकि एक कम जाता है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि क्या एक्स लुकअप काम करेगा, यहाँ पे एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया, लुकअप एरे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, रिटर्न एरे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करता हूं,
आपका एच लुकअप का भी काम एक्स लुकअप कर देता है। एक्स लुकअप मतलब कि कंप्लीट लुकअप, वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल, समझे? ये लो वाले वर्जन में नहीं आएगी ना 2010? नहीं, वो गरीबों का वर्जन है भाई। ऑफिस 365 के लिए है, अगर आपको चाहिए होगा ऑफिस 365 तो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर परचेज करने जाएंगे तो 600 कुछ रुपए मंथली है उसका चार्ज। लेकिन अगर आप मेरी तरफ, मेरे पास भी 5 ID होती है, मुझे हर महीने 5 परचेज करता हूँ, तो मैं आपको 450 में दे दूंगा पर मंथ सर। मेरे पास दो आईडी बचे हैं, चार दे दिया स्टूडेंट को, समझे? तो जब तक आप सीख रहे हैं तब तक ले लीजिए, जब सीख खत्म हो जाएगा तो उसको आगे ना एक्सटेंड मत कीजिएगा। ओके, इसके लिए सर कोई वो भी चाहिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विंडो का? देखिए, अगर आपके पास विंडो 10 होगा तो ऑफिस 2019 के फीचर आएंगे, अगर विंडो 8 होगा तो 2016 के फीचर आएगा। अच्छा ठीक है, विंडो 2010 है, ठीक है, वही से डाउनलोड हो जाएगा आपको। हाँ, वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी मुझे भेजेंगे तो आपकी ईमेल आईडी मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 के साइट पे जाएंगे, अपना यूजर नेम मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपको मेल आ जाएगा ऐसे, लॉगिन करेंगे और फिर वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो एक महीने का परचेज करेंगे तो जैसे अभी आप में से परचेज करते हैं 16 तारीख का, तो तकरीबन 1.5 महीने के आसपास चलेगा, क्योंकि मेरा तो मंथली बिलिंग होता है ना, तो मैं 1 तारीख को बिल कर दूँगा तो आपका एक पूरा महीना के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। समझिए कि 450 1.5 महीने के लिए आपको देना पड़ेगा। बात सही है, ओरिजिनल परचेज करने में जाते हैं तो ऐसे आपके पास जो है तकरीबन ओरिजिनल परचेज करते हैं तो कोई भी आपको 8,000 से कम का तो नहीं मिलेगा, ऑफिस कम से कम 8,000 देना पड़ेगा। तो 8,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, वही है साल का है, 6 से 1 साल का पैसा ले लेता है, ये आपको किस्तों में देना होता है। दूसरी बात, जिस महीने नहीं चलाना है मत दीजिए, जरूरत नहीं, हर महीने देना ही है बिल आपको, टेलीफोन बिल की तरह आएगा, अगर यूज करना है आपको बिल देना ही है, जिस महीने नहीं यूज करना है उस महीने छोड़ दीजिए, पेमेंट मत कीजिए। मेरा तो सर ईयरली बेसिस पे एक्स लुकअप समझ में आ गया जी सर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है? कल की क्लास में हम विलुकअप के कुछ ट्रिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे।